Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about Herzberg's two-factor theory. अब Herzberg's two-factor theory क्या है? ये theory थोड़ी सी unique है और लेकिन बड़ी interesting भी है. Okay? अब क्या है? अब इस theory में Herzberg ने बात की है. उसने basically क्या किया था? एक survey किया था. कुछ accountant पे और कुछ engineers पे. लगभग 200 accountant और 2 engineer थे जिसपे उसने survey किया था. उनसे कुछ question पूछे थे. उन question के base पे उसने क्या किया? एक theory को develop किया. अब वो theory क्या है? इसने basically अपनी theory में बात की है मोटिवेटर और हाइजीन फैक्टर की. ओके, तो ये थ्योरी समझने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी. वो बात क्या है? देखो, वैसे क्या होता है, डिससैटिस्फेक्शन क्या है? अपोजिट है सैटिस्फेक्शन का. नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, अगर एक बंदा डिससैटिस्फाई है किसी चीज को लेकर, डिससैटिस्फाई है, ठीक है, अगर आप उसे वो चीज दे दोगे वो क्या हो जाएगा? सैटिस्फाई हो जाएगा. मींस डिससैटिस्फेक्शन का अपोजिट क्या है? सैटिस्फेक्शन है. अगर एक पर्सन डिससैटिस्फाई है, जिस चीज से डिससैटिस्फाई, अगर आप उसको वो चीज दे दोगे तो वो सैटिस्फाई हो जाएगा. लेकिन इस थ्योरी में ऐसा नहीं है. इसमें क्या है, अगर एक बंदा क्या है डिससैटिस्फाई है, अगर आप उसको कोई चीज दे दोगे तो उसकी सैटिस्फेक्शन कम होगी लेकिन वो सैटिस्फाइड नहीं होगा. ठीक है, ये थोड़ी बात थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है लेकिन हम इसको एक आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये बात बताऊंगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इसमें क्या है, जिस बात से उस बंदे को डिससैटिस्फेक्शन है, अगर वो आप उसको दे दोगे तो उसको वो बंदा सैटिस्फाइड नहीं होगा बल्कि उसकी डिससैटिस्फेक्शन रिमूव होगी. ओके, समझ रहे हो? जिस बात को लेके एक बंदा डिससैटिस्फाई है, अगर आप उसकी वो बात पूरी कर दोगे, वो नीड पूरी कर दोगे तो उससे वो सैटिस्फाई नहीं होगा बल्कि उसकी डिससैटिस्फेक्शन कम होगी. अब ये मैं क्या बोल रही, इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी. ठीक है, तो पहले क्या है, हमें ये समझ लेना चाहिए कि मोटिवेटर और हाइजीन फैक्टर कौन कौन से है. ओके, अब पहले मैं आपको मोटिवेटर और हाइजीन फैक्टर बता देती हूँ, उसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू ये थ्योरी बताऊंगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी. ओके, मोटिवेटर फैक्टर, मोटिवेटर फैक्टर और हाइजीन फैक्टर. ओके, दो तरह के फैक्टर की इन्होंने अपनी थ्योरी पे बात की है. ओके, अब मोटिवेटर फैक्टर कौन से हैं? आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, रिकॉग्निशन हो गया, ग्रोथ हो गई, पर्सनल अचीवमेंट हो गई, कुछ एडवांसमेंट होगी, ये क्या आपके मोटिवेटर फैक्टर है. अब हाइजीन फैक्टर क्या है? पे बेनिफिट हो गए, जॉब सिक्योरिटी हो गई, वर्किंग कंडीशन हो गई. ठीक है, सुपरविजन हो गई, कंपनी पॉलिसी हो गई, ये क्या है आपके हाइजीन फैक्टर है. ओके, वो क्या कहता है, मोटिवेटर फैक्टर को सेटिस्फाई फैक्टर भी कहा जाता है, हाइजीन फैक्टर को मेंटेनेंस फैक्टर भी कहा जाता है. वो कहता है अगर एक बंदे के एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉइज काम करता है उसके उसको आप हाइजीन फैक्टर नहीं दे रहे. हाइजीन फैक्टर में से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बंदे को आप पे बेनिफिट नहीं दे रहे हो तो वो क्या होगा, डिससैटिस्फाई होगा. अगर उसको पे बेनिफिट मिल जाएंगे तो उसके डिससैटिस्फेक्शन वो सेटिस्फाई नहीं होगा बल्कि उसकी डिससैटिस्फेक्शन कम होगी. ओके, मोटिवेटर फैक्टर को वो सेटिस्फाई फैक्टर भी कहते हैं. वो कहता है बंदे को रियलिटी में सेटिस्फेक्शन तब मिलेगी जब आपको आप उसको मोटिवेटर फैक्टर दोगे. अब एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, उसके थ्रू आपको ये थ्योरी कभी नहीं भूलेगी. जैसे क्या है, एम्प्लॉयज शुरू में क्या है, डिससेटिस्फाइड है और अनमोटिवेटेड. एक एम्प्लॉयज क्या है, डिससेटिस्फाई और अनमोटिवेटेड, डिससैटिस्फाइड या अनमोटिवेटेड. आपने क्या किया, उसे हाइजीन फैक्टर दे दिया. हाइजीन फैक्टर मीन्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वर्किंग कंडीशन, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या हाइजीन फैक्टर है. पहले वो बंदा डिससैटिस्फाइड था, अनमोटिवेटेड था, ओह माय गॉड वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, पुअर वर्किंग एनवायरमेंट, ऐसे एनवायरमेंट में कैसे काम करूं, ऐसे बोलता रहता था.
और मोटिवेटेड तो वो था ही नहीं, ओके, डिससेटिस्फाई भी था और अनमोटिवेटेड भी था. आपने उसकी हाइजीन फैक्टर की नीड को फुलफिल कर दिया, आपने वो वर्किंग कंडीशन अच्छी कर दी उसको, या पे बेनिफिट उसको दे दी अच्छे, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी भी दे दी, ये सब आपने दे दिया. अब ये हाइजीन फैक्टर एक बंदे के पास होंगे तो वो क्या होगा, मोटिवेट नहीं होगा वो, उसकी सिर्फ क्या होगी, सेट उसकी डिससेटिस्फेक्शन कम होगी, ठीक है. अब आपने उसको वर्किंग आपको आपने उसको सैलरी अच्छी देने लग गए, उसकी जॉब सिक्योरिटी होगी, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उसको देख के कहेगा ले ये तो नॉर्मल सी थिंग है, अब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वर्किंग एनवायरनमेंट तो अच्छा होना ही चाहिए, काम कर रहा हूं क्या मुझे सैलरी भी नहीं मिलेगी, 10 साल से इनकी यहाँ पे पढ़ा, मुझे जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, वो ऐसे नॉर्मली लेगा इस चीज को, कैसे नॉर्मल लेगा, उसे वो सोचेगा ये चीजें तो मुझे मिलनी चाहिए, इसमें क्या उन्होंने बड़ा काम कर रहे, मीन्स उसकी सिर्फ डिससेटिस्फेक्शन कम हो गई होगी, वो मोटिवेट नहीं होगा अगर आप उसे हाइजीन फैक्टर दोगे. तो वो बंदा डिससेटिस्फाई भी था, अनमोटिवेट भी था, आपने उसे अनहाइजीन फैक्टर दे दिए, जिससे क्या हो गया वो बंदा क्या हो गया, नो डिससेटिस्फेक्शन, स्टिल वो क्या, अनमोटिवेटेड. अब उसकी डिससेटिस्फेक्शन क्या कम होगी, फिर आपने उसको मोटिवेटेड फैक्टर दिया. मोटिवेट फैक्टर मीन्स आपने उसकी रिकॉग्निशन बढ़ाई, उसको प्रमोट किया, ठीक है, उसकी करियर अपॉर्चुनिटी दी, उसको 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 ग्रोथ के चांस दिए, ठीक है, उसको एप्रिसिएशन मिला, ठीक है, बात बात पे आप उसकी प्रेस कर रहे हो, बात बात पे उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आपने उसको उसको उसकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करा रहे हो, उसको ये सब मिला, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ लास्ट में, नो डिससेटिस्फेक्शन. तो इससे इसका रिजल्ट क्या हुआ, सेटिस्फाई प्लस मोटिवेट, ठीक है, इससे उसकी सेटिस्फेक्शन भी बढ़ी और उसने वो क्या हुआ, एम्प्लॉइज मोटिवेट भी हुआ, ये इसकी थ्योरी बोलती है. ओके, आई थिंक इसमें क्या है, डिससेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन का अपोजिट नहीं है. वो कहता है कि अगर हाइजीन फैक्टर होंगे, अगर हाइजीन फैक्टर नहीं होंगे तो वो बंदा डिससेटिस्फाई होगा, लेकिन अगर वो होंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, मोटिवेट नहीं होगा, बल्कि उसकी डिससेटिस्फेक्शन कम होगी. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, डिससेटिस्फाई या अनमोटिवेट है, आपने उसके हाइजीन फैक्टर उसको दिए, उसका रिजल्ट सिर्फ उसकी डिससेटिस्फेक्शन कम हुई है, लेकिन अभी भी वो अनमोटिवेटेड है, ठीक है, लेकिन जब आपने उसको मोटिवेटेड फैक्टर दिए तो वो सेटिस्फाई भी हुआ और क्या हुआ, मोटिवेटेड भी हुआ, ठीक है. आई थिंक आपको समझ में आया होगा, थैंक यू.